हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर के साथ में। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 मीडियाटेक की तरफ से आने वाला लेटेस्ट मिड रेंज 5G प्रोसेसर है, साथ ही डायमेंसिटी 820 का सक्सेसर भी है। डायमेंसिटी 720 की अगर बात करें तो ये मीडियाटेक की तरफ से आने वाला बजट रेंज 5G प्रोसेसर है। इन दोनों ही प्रोसेसरों के साथ इंडिया में अभी तक कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में आपको ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के स्मार्टफोन इन प्रोसेसर्स के साथ देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में कंपेयर करते हैं इन्हीं दोनों प्रोसेसरों को और जानते हैं कौन सा प्रोसेसर बेहतर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी स्टफ चैनल में। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। तो डायमेंसिटी 900 मई 2021 में लॉन्च हुआ है और डायमेंसिटी 720 जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर डायमेंसिटी 900 लेटेस्ट लॉन्च हुआ प्रोसेसर है। सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें तो डायमेंसिटी 900 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है, जबकि डायमेंसिटी 720 7nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है। तो जिस चिपसेट की फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होगी वो उतना ही पावर इफिशियंट होगा। तो यहाँ पावर इफिशियंसी में डायमेंसिटी 900 बेहतर है। सीपीयू आर्किटेक्चर और कोर की अगर बात करें तो दोनों ही चिपसेट 64 बिट आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, साथ ही मल्टीटास्किंग में टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 कोर यानी ऑक्टा कोर सीपीयू का यूज किया गया है। तो यहाँ सीपीयू आर्किटेक्चर और कोर में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है। सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही चिपसेट में 2+6 कोर की बिट पर डिटेल अप्रोच के साथ में ड्यूअल क्लस्टर आर्किटेक्चर दिया गया है। डायमेंसिटी 900 में दो परफॉर्मेंस कोर दिए गए ARM Cortex A78 के साथ जो क्लॉक्ड है 2.4 GHz पर, साथ ही पावर इफिशियंट कोर दिए गए ARM Cortex A55 के साथ जो क्लॉक्ड है 2 GHz पर। डायमेंसिटी 720 की अगर बात करें तो इसमें दो परफॉर्मेंस कोर दिए गए ARM Cortex A76 के साथ जो क्लॉक्ड है 2 GHz पर, साथ ही पावर इफिशियंट कोर दिए गए ARM Cortex A55 के साथ जो क्लॉक्ड है 2 GHz पर। तो यहां सीपीयू परफॉर्मेंस में क्लियरली डायमेंसिटी 900 बेहतर है, क्योंकि यहाँ ARM Cortex A78 कोर्स का यूज किया गया है जो इसके सीपीयू को बेहतर बनाते हैं। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें तो डायमेंसिटी 900 में लेटेस्ट ARM Mali G68 MC4 जीपीयू का यूज किया गया है, जो कि एक क्वाड कोर यानी 4 कोर वाला जीपीयू है, जबकि डायमेंसिटी 720 में ARM Mali G57 MC3 जीपीयू का यूज किया गया है, जो कि एक ट्राई कोर यानी 3 कोर वाला जीपीयू है। जीपीयू फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोनों ही चिपसेट की जीपीयू फ्रीक्वेंसी के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ जीपीयू परफॉर्मेंस में डेफिनेटली डायमेंसिटी 900 बेहतर है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट ARM Mali G68 जीपीयू यूज किया गया है, जिसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी ARM Mali G77 वाले जीपीयू की यूज की गई है। रैम सपोर्ट की अगर बात करें तो डायमेंसिटी 900 चिपसेट में 16GB तक की ड्यूअल चैनल LPDDR5 और LPDDR4X रैम का सपोर्ट दिया गया है, जबकि डायमेंसिटी 720 में 12GB तक की ड्यूअल चैनल LPDDR4X रैम का ही सपोर्ट दिया गया है। रैम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डायमेंसिटी 900 चिपसेट में अगर LPDDR5 रैम का यूज किया जाता है तो 2750 यानी 2750 मेगाहर्ट्ज तक की रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट मिलता है। साथ ही दोनों ही चिपसेट में अगर LPDDR4X रैम का यूज किया जाता है तो 2133 मेगाहर्ट्ज तक की रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी मिलता है। तो यहां रैम सपोर्ट में क्लियरली डायमेंसिटी 900 बेहतर है, क्योंकि इसमें LPDDR5 रैम का सपोर्ट दिया गया है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो डायमेंसिटी 900 लगभग सभी टाइप के स्टोरेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3 और UFS 3.1, जबकि डायमेंसिटी 720 eMMC 5.1, UFS 2.1 और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप को ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ स्टोरेज सपोर्ट में डायमेंसिटी 900 बेहतर है, क्योंकि ये UFS 3.1 स्टोरेज टाइप को भी सपोर्ट करता है। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही चिपसेट में मैक्सिमम ऑन डिवाइस फुल एचडी प्लस तक के डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। अगर फुल एचडी प्लस डिस्प्ले का यूज किया जाता है तो दोनों ही चिपसेट में 2520x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। साथ ही डायमेंसिटी 900 में मैक्सिमम 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, जबकि डायमेंसिटी 720 में मैक्सिमम 90Hz रिफ्रेश रेट का ही सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ डिस्प्ले सपोर्ट में भी डायमेंसिटी 900 बेहतर है, क्योंकि ये 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें तो डायमेंसिटी 900 108 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है, जबकि डायमेंसिटी 720 64 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरे को सपोर्ट करता है। तो यहाँ सिंगल कैमरे सपोर्ट में डायमेंसिटी 900 बेहतर है, क्योंकि ये 108 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरे को सपोर्ट करता है। तो अभी जो स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल के कैमरे का ट्रेंड चल रहा है वो डायमेंसिटी 900 के साथ आसानी से यूज किया जा सकता है। ड्यूअल कैमरे सपोर्ट की अगर बात करें तो डायमेंसिटी 900 20+20 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सपोर्ट करता है, जबकि डायमेंसिटी 720 20+16 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सपोर्ट करता है। तो यहाँ ड्यूअल कैमरे सपोर्ट में दोनों ही चिपसेट लगभग सिमिलर है। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो दोनों ही चिपसेट के साथ मैक्सिमम 4K तक के वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। दोनों ही चिपसेट की सहायता से 2160 पिक्सल वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS
FPS पर और 1080 पिक्सल वाले फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पर, साथ ही 720 पिक्सल वाले HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 240 FPS पर, और दोनों ही चिपसेट की सहायता से 240 FPS पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है। कनेक्टिविटी और मॉडेम की बात करें तो दोनों ही चिपसेट 5G सपोर्ट के साथ आते हैं और दोनों ही चिपसेट में इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम दिया गया है जो ओनली सब 6 GHz बैंड को ही सपोर्ट करता है। डाउनलोड स्पीड की बात करें तो डायमेंसिटी 900 मैक्सिमम 2.7 GBPS की डाउनलोड स्पीड देता है, जबकि डायमेंसिटी 720 मैक्सिमम 2.3 GBPS की डाउनलोड स्पीड देता है। अपलोड स्पीड की बात करें तो दोनों ही चिपसेट मैक्सिमम 1.2 GBPS की अपलोड स्पीड देते हैं। तो यहाँ कनेक्टिविटी और मॉडेम में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है। बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करें तो अंतुतु बेंचमार्क पर डायमेंसिटी 720 को मिले लगभग 295,000 पॉइंट, जबकि डायमेंसिटी 900 का स्कोर अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन लीक्स के अनुसार इसे लगभग 480,000 पॉइंट मिलते हैं। तो अंतुतु बेंचमार्क के अनुसार डायमेंसिटी 900 बेहतर है। गीकबेंच स्कोर की अगर बात करें तो डायमेंसिटी 720 को सिंगल कोर में मिले 507 पॉइंट और मल्टी कोर में मिले 1650 पॉइंट, जबकि डायमेंसिटी 900 का गीकबेंच स्कोर अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं उनके अनुसार सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही डायमेंसिटी 720 से ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि इसके सीपीयू में ARM Cortex A78 कोर्स का यूज किया गया है। तो ये तो था कंपैरिजन MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर का MediaTek Dimensity 720 प्रोसेसर के साथ में। सीपीयू से बात करें तो सीपीयू में Dimensity 900 बेहतर है, क्योंकि इसमें ARM Cortex A78 कोर्स का यूज किया गया है, जो कि बेहतर है ARM Cortex A76 कोर्स से। जीपीयू परफॉर्मेंस में भी Dimensity 900 बेहतर है, क्योंकि इसमें ARM Mali G68 जीपीयू का यूज किया गया है। पावर इफिशियंसी यानी फेब्रिकेशन प्रोसेस में भी Dimensity 900 बेहतर है, क्योंकि इसमें 6nm फेब्रिकेशन प्रोसेस का यूज किया गया है, जो 8% बेहतर है 7nm फेब्रिकेशन प्रोसेस से। रैम सपोर्ट और स्टोरेज सपोर्ट में भी Dimensity 900 बेहतर है, क्योंकि इसमें LPDDR5 रैम का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही UFS 3.1 स्टोरेज टाइप को भी सपोर्ट करता है। डिस्प्ले सपोर्ट में भी Dimensity 900 बेहतर है, क्योंकि 120 हर्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है, जबकि कैमरा सपोर्ट, वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन और कनेक्टिविटी में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से लगभग सभी एस्पेक्ट में Dimensity 900 की परफॉर्मेंस बेहतर है Dimensity 720 से। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार कौन सा चिपसेट बेहतर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके जैसे ही हम नए वीडियो अपलोड करते हैं।